फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मार्केट स्ट्रेटजी चैनल में। रोज की तरह आज भी आप लोगों के सेवा में उपस्थित हूँ और मेरा खराब हिंदी के लिए पहले ही माफी चाहता हूँ, रोज की तरह ही। और आशा करते हैं कि आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में मैं सुबह ही पोस्ट कर दिया था कि मार्केट आज ठीक ठाक नहीं रहेगा तो स्टॉप लॉस काट सकता है। आशा करते हैं कि आप लोगों का ट्रेड सही है और प्रॉफिट भी हुआ है मेरी तरह। तो जो लोग नए हैं, बिगिनर्स है मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट ट्रेडिंग करने के लिए जो लोग बिगिनर्स है, उन लोगों के लिए ये चैनल बना है और उन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं और मेरा टीम काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए। यहाँ कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रहा है, यहाँ ना कोई टिप्स वगैरह, ना कोई टीचिंग, कुछ भी नहीं यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। सिर्फ जानकारी मिलेगा और आप लोगों के सेवा मिलेगा, ठीक है। और जो लोग हमारा जो स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट हो रहा है ये आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए, तो हमारा जो टीम है उन लोगों को भी थोड़ा मोटिवेट हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को एक बात इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप लोगों को जो फैंटास्टिक फोर का जो चार स्टॉक मिलता है ट्रेड करने के लिए, उससे ज़्यादा स्टॉक आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा रोज की तरह। जो स्टॉक हमारा टीम निकाल के देता है वो स्टॉक आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा। और जो चार स्टॉक वहाँ से निकालते हैं हम, उसका कौन सा लेवल बाई का, कौन सा लेवल सेल का आता है हम देख लेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। उससे पहले कल जो स्टॉक दिया था वो स्टॉक का थोड़ा रिव्यू भी कर ले, ठीक है। तो उसके बाद हम कल के लिए स्टॉक देखेंगे। तो पहला जो कल का स्टॉक दिया था आज के लिए, वो पहला स्टॉक था पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में देखिए 198 के ऊपर बाइंग था, 198 नहीं गया आज स्टॉक, और नीचे 193 मतलब यहाँ कहीं भी आप लोगों को मिला है, लेकिन जब मिला है ये लगभग 3 बजे के आसपास, मतलब ये लो बनाया 183, 2 बजे 2:30 बजे आप लोगों को लो बनाया इधर पे, वो तो उस टाइम में ट्रेड इंट्राडे करना ठीक नहीं है, मतलब सिस्टम के विरोध करना है। तो हम मान के चलते हैं कि ये स्टॉक आप लोगों को एक्टिवेट नहीं हुआ। और दूसरा जो स्टॉक था एनआईटी टेक का, तो एनआईटी टेक में शायद ये भी नहीं गया, 1961 के ऊपर बाइंग था, 1961 नहीं गया, और 1900 के नीचे 19 नहीं गया। चलिए ये दोनों स्टॉक एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब प्रॉफिट तो नहीं आया लेकिन लॉस नहीं आया है, जो कि इस चैनल का मेन उद्देश्य है, ठीक है। बिजनेस लोगों को तो इस तरह पता नहीं चलता कहाँ कैसे कैसे यहाँ पर लॉस होता है, तो लॉस नहीं हुआ, ठीक है। चलिए उससे बाद हम दिए थे कनाडा बैंक, कनाडा बैंक का देख लेते हैं। कनाडा बैंक में 221 के ऊपर बाइंग था, 221 नहीं गया, और 216 के नीचे 216 मतलब यहाँ से बाइंग एक्टिवेट हुआ, जो कि 4 पॉइंट का था, तो 4 पॉइंट तो हम देख ही रहे हैं, 4 से ज़्यादा आया है, मतलब बहुत प्रॉफिट आ गया है। 216 लगभग यहाँ पर, और
मुताबिक जो रूल्स है वो रूल्स है, अगर जहाँ भी प्रॉफिट मिलता है पहले लॉक कर देना चाहिए, तो स्टॉप लॉस को ट्रेड करके आप प्रॉफिट को लॉक कर दीजिएगा, ठीक है। और सेल साइड एक्टिवेट होगा आप लोगों को 1320 के नीचे, ओके दोस्तों। तो बाइंग आएगा 1368 और सेल आएगा 1320, ठीक है। और थर्ड जो स्टॉक आया है वो आया है आप लोगों को इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड में बाई आएगा अगर ये स्टॉक 786.5 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो, और स्टॉप लॉस आएगा 5 रुपया और टारगेट आएगा 15 रुपया। इसका सेल साइड एक्टिवेट होगा 770 इसके नीचे क्लोजिंग होने के बाद, ठीक है ना, देखो ठीक है। और चौथा स्टॉक है मोहन अवर गैस लिमिटेड, मतलब MGL है। MGL में हम देख लेते हैं, MGL में आपको बाई आ रहा है 1206 के ऊपर और स्टॉप लॉस आएगा 7.5 और टारगेट आएगा 21 रुपीस। इसे ज़्यादा भी आ सकता है और स्टॉप लॉस भी आप लोग ट्रेल करके ले जा सकते हैं। और सेल साइड एक्टिवेट होगा अगर 11773 के नीचे क्लोजिंग होगा तो, ठीक है। 1206 के ऊपर बाइंग, 1173 के नीचे सेलिंग आएगा। तो आशा करते हैं कि रोज़ की तरह आप लोगों को कल भी